Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about in vitro fertilization, miscarriage, and some sexual transmitted diseases like gonorrhea, syphilis, and AIDS. Okay, first of all, we should know about it. What is in vitro fertilization? In vitro fertilization is a process for those people who cannot reproduce themselves naturally, so it is an artificially introduced process for them. It is a process in which egg and sperm fertilized are unite or combine outside the body. That's why it is called in vitro fertilization. And in vivo fertilization, the process occur inside the body. So keep it in mind, their difference. And the next is evolved as a major treatment. It is the treatment for infertility people, infertile people. The term in vitro from the Latin meaning in glass. The baby which is produced through this process is called test tube baby or glass baby, and the combination of sperm and ovum occur in test tubes, beakers or petri dish, and the baby is called test tube babies. Okay, next one is miscarriage or abortion. Miscarriage is the termination of pregnancy before the viability, means के जो उसका specific time period है, जो time उसका है, duration है, उससे पहले अगर delivery हो जाती है तो उसको miscarriage बोलेंगे. ठीक है, ये जो है इसको disease consider किया जाता है क्योंकि baby की growth properly नहीं हुई होती, लेकिन जो process of miscarriage है it can be occur. अब miscarriage और abortion दो चीज़ें आ जाती हैं. miscarriage जो है वो naturally होता है, और abortion जो है वो मतलब कि उसको खुद करवाया जाता है. ठीक है, अब मिसकैरेज जो है इसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी बोलते हैं, जब वो अचानक से खुद हो जाता है तो ठीक है एबॉर्ट जो है वो हो जाता है बेबी. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक्सपल्शन ऑफ अ फीटस आर एनी एम्ब्रियो वेइंग 500 ग्राम आर लेस, इस इतना वेट होता है या इससे भी लेस होता है. इंसिडेंस 50-20% ऑफ प्रेगनेंसीज. टोटल रिप्रोडक्टिव लॉसेज आर मच हायर इफ वन कंसिडर लूजेज डेट अगर प्रायर टू क्लिनिकल रिकॉग्निशन. इसकी फर्दर डिवीजन आ जाती है स्पॉन्टेनियस, अच्छा इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसके अलावा कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, और दूसरा जो है वो इनएविटेबल जो है वो इसकी टाइप जो है वो डिस्कस की थी. कंप्लीट में जो है वो कम्प्लीटली जो है वो जो जितना भी स्पर्म और ओवम की कम्बिनेशन से जो मटेरियल बना है वो रिलीज हो जाएगा बॉडी से. इनकम्प्लीट में जो है वो कम्प्लीट नहीं होगा, कुछ पार्ट उसका जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाएगा. ठीक है, इंड्यूस्ड में जो है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड लाइक एबॉर्शन होता है, उसको जो है वो खुद इंड्यूस किया जाता है, खुद जो है वो करवाया जाता है. ठीक है, और इसके अलावा जो इनएविटेबल जो था वो सर्विक्स की वजह से होता है. सर्विक्स जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही होती है ना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो डायलेट रह जाती है. ठीक है, रिलैक्स रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो वो रिलैक्स रहती है तो जो ऑफस्प्रिंग या फीटस जो है इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. द फर्स्ट वन इज़ गोनोरिया. गोनोरिया गोनोरिया को जो है वो फ्लो ऑफ सीड भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें इस केस में क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों में ये कॉमन है. ठीक है, इसमें जो है वो वजाइना और जो पीनस है वो ज़्यादा वेट रहते हैं, उनकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है. हर टाइम पर वेट रह रहे के उनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है, एवरी टाइम डिस्चार्ज इज अकरिंग. तो यहाँ पे वो फिर उसकी सिम्टम्स में जो है वो एक तो ये आ गया कि हर टाइम पे जो है वो डिस्चार्ज होता है, और दूसरा ये कि स्मेल बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और लोअर एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर पेन हो रहा होता है. ये किस वजह से काज होती है? इट काज बाय नाइजेरिया गोनोरिया. नाइजेरिया गोनोरिया जो है ये सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली काजिंग बैक्टीरिया है. ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है वो काज करता है. एंड यूरिनोजेंटल ट्रे के इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन. तो वो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है इसके रिजल्ट में. अच्छा, सेकेंड मोस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. इन इसके जो फर्स्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस. अब नेक्स्ट जो आ जाती है डिजीज़, व्हाट इज सेफिलिस. सेफिलिस जो है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बॉडी पे जो है वो लेयन टाइप जो है वो चीज़ बन जाती है. ठीक है, पूरी बॉडी कवर हो जाती है, मोस्टली ये चेस्ट और बैक को जो है वो कवर कर होता है. अब इसमें भी जो है वो टू डिवीजन आ जाती है, इसकी एक्वायर्ड आ जाती है एक, और एक जो है वो क्या आ जाती है, कंजेनिटल आ जाती है. ये दोनों इसकी डिवीजन आ जाती हैं, और मोस्टली ये 20 से 40 की एज में होती है. द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़ इज़ ट्रिपोनिमा पेल्डम.
अच्छा, इट इज़ सिस्टमेटिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जिसको ये बैक्टीरिया काज कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स जो है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो उसमें ट्रांसमिशन इसकी होती है, और प्रेगनेंट मदर जो है उससे भी जो है वो फीटस में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इट इज़ काज बाय ट्रिपोनोमिया पेल्डम, और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो उसमें सेक्सुअल, मैटरनल, फीटल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें सिचुएशन होती है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इट इन क्लास। ये देखें, ये उसके हाथ पे वो जैसे पिंपल रप्चर होके और उससे जो जख्म सा बन जाता है ये इसके फुट पे हुआ है, और ये देखें ये पूरी बॉडी जो है वो उसकी ख़राब हुई हुई है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी सिफिलिस, ये सेकेंडरी सिफिलिस आ जाता है, लेटेंट सिफिलिस और टर्शरी लेट सिफिलिस आ जाता है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी में जो है वो पे जस्ट एक जगह पे जो है वो एक पिंपल टाइप, लेकिन टाइप चीज़ अपीयर होती है। सेकेंडरी में क्या होता है कि वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी पे फैल जाती है, ठीक है। लेटेंट जो है, लेटेंट वर्ड जो है वो हिडन से निकला है। हिडन मतलब कि यहाँ पे बंदे को ऐसे लगता है नाउ आई एम गुड, उनके मेरी जो है ये जो डिजीज़ है वो ठीक होना शुरू हो गई है, तो ये वो ठीक नहीं हो रही होती बेसिकली। वो कहाँ पे चली जाती है, आपकी जो है वो इंटरनली जो है वो आपको डैमेज करना शुरू कर देती है, बोन्स के अंदर जो है वो चली जाती है। फिर टर्शरी में जो है लेट सिफिलिस जो है उसके अंदर वो अपियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी पूरी मतलब कि बोन्स जो है उनको वो ख़राब करना शुरू कर देती है, वहाँ पर जो है वो डिजीज़ चली जाती है, जिसे टाइफाइड का अक्सर कहते हैं कि वो हड्डियों का बुखार हो गया। मतलब कि ये चीज़ लेटेंट में जो वो हिडन होती है ये इंटरनली डैमेज करती है, ठीक है। फिर सेफिलिटिक घुमा आ जाता है। घुमा जो है ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो है ये स्मॉल सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, ठीक है, जैसे पिंपल्स टाइप चीज़ होती है लेकिन लार्ज इन साइज। डिफ्यूज लेन, लेन जो है वो वही इनको ही बोलते हैं जो एक तरह से इन्फ्लामेशन हुई होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ एड्स। एड्स क्या है? एड्स जो है वो HIV वायरस काज कर रहा है, और ये किसको टेक करती है? ये हमारे इम्यून सेल को टेक करती है, जिसमें इम्यून सेल्स में दो आ जाते हैं, एक टी सेल्स आ जाते हैं, एक बी सेल्स आ जाते हैं। टी सेल्स में फर्दर डिवीजन हुई होती है, फिर इसमें एक जो है वो CD4 सेल आते हैं जिन पे ये आके अटैच होती है, ठीक है। इसके जो है वो क्या होते हैं, स्पाइक्स होती हैं HIV वायरस की, वो स्पाइक्स आके अटैच होती हैं एड्स के जो जिन्होंने यहाँ पर इन्होंने इन्फेक्ट करना है, CD4 सेल्स के रिसेप्टर पर आके अटैच होती है, और फिर अपना न्यूक्लिक मटेरियल एंटर करके उसकी डिवीजन करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट्रो वायरस बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स न्यूक्लिक मटीरियल, ठीक है। न्यूक्लिक मटीरियल अगर DNA से RNA में कन्वर्ट होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड द एंजाइम विच इन्वॉल्व इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसकी भी जो है वो फिर फाइनली इसमें जो है वो डेथ हो जाती है बंदे की, उसका ट्रीटमेंट कोई भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये बॉडी के अंदर CD4 के अंदर जाके रिप्लीकेट करते हैं अपनी, डिवीजन करके अपना नंबर ज़्यादा करने के बाद ये क्या करता है, बॉडी से जो है वो निकलता है और बॉडी के सेल को रप्चर करके किल करके निकलता है, डिफरेंट उसकी मेम्ब्रेन जो है उसको, ठीक है। इसके रिजल्ट में जो है डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके अलावा और भी जो है वो इसके सिम्टम्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिम्फ नोड जो है वो स्वेलन हो जाता है, और वेट लॉस होता है, फीवर, नाइट स्वेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ब्रेस्ट मिल्क है, नीडल जो है वो हम लोग किसी की यूज़ करते हैं, ये शेविंग किट, या ये जो सेक्स जो है सेमिनल जो फ्लूड होता है या वजाइनल फ्लूड होता है उसके थ्रू भी जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। HIV एजेंट RNA वायरस है विच रेप्लिकेट इन एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन पे ये स्पेसिफिकली एक्ट करता है, ठीक है। वन पर्सन गेट इन्फेक्टेड, वायरस रिमेन्स इन बॉडी लाइफ लॉन्ग, एंड द पर्सन इज सिम्टमलेस जो है उसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते, ठीक है, फॉर ईयर बिफोर द सिम्टम एक्चुअली अपीयर। मतलब कि पहले अपीयर इस तरह से नहीं होते कि पता ही नहीं चल रहा होता कि ये हो क्या रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये अपना काम कर रहा होता है तो इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती, सिम्टम्स नहीं अपीयर होते। अगर हल्की सी कोई कफिंग होती है या कुछ फीवर होता है तो उसको बंदा नोटिस में ही नहीं ला रहा होता, लेकिन इसके सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं वैन रीच टू इट्स सेवेरिटी, जब वो पीक पर पहुँचता है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब दी HIV जो इन बॉडी फ्लूड फ्लूड
यूनिट में जो ये किस तरह से इसकी एवरेज बताई हुई है कि ब्लड सेल्स में ये कितना होता है, 7 के अंदर जो है वो कितना होता है वजाइनल फ्लूड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर और सलाइवा के अंदर, ये फिर उससे आप आइडिया लगा लें। ये 1 मिलीलीटर जो है वो फ्लूड के अंदर बताई हुई है इसकी, इतनी इतनी अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आप आइडिया लगा लें कि किससे जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा हो सकता है, आई थिंक ब्लड से हो सकता है क्योंकि ब्लड में इट इज़ एबंडेंस। ओके, एज जो है वो 20 से 49 की एज में आलमोस्ट ये ज़्यादा जो है वो इस एज में जो है वो होता है ये एड्स, ठीक है। और हाई रिस्क ग्रुप जो है वो मेल होमोसेक्चुअल जो होते हैं उनमें इसमें ज़्यादा इसके जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को गनोरिया और सेफेलस हुए हैं उनमें भी जो है वो एड्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं या जो क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रख रहे होते, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते, उन लोगों में जो है ये ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।